चले विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि ठीक होंगे आप। और आपके कमेंट में कहा गया था कि सर ट्वेल्थ का वीडियो लेकर कब आइएगा। मैं आ गया हूँ और सीरीज, तीन सीरीज लेकर आया हूँ फिजिक्स का, उसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। और इसमें बढ़िया बात यह है कि इसमें पीडीएफ भी मौजूद है, आप उसका स्क्रीन शॉट लेकर लिख सकते हो, याद कर सकते हो, या फिर आप वीडियो को रोक कर भी याद कर सकते हो, लिख सकते हो। चलिए, समय कम है, तीन सीरीज में है, तीन सीरीज लेकर आऊंगा। पहला सीरीज यह है, दूसरा सीरीज और तीसरा सीरीज, ये तीनों सीरीज 31 जनवरी तक आपका दे दिया जाएगा। आप देख कर जाओ, परीक्षा में 2 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है? तो संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है, तो जान लीजिए, संधारित्र की धारिता होती है सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए और बटा में डी। क्या होता है? सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, मतलब ये धारिता जो है तीन बातों पर निर्भर करेगा। पहला, माध्यम की विद्युतशीलता पर। किस पर? तो माध्यम का यह विद्युतशीलता हो गया, ए क्या हो गया, क्षेत्रफल पर हो गया, और डी क्या हो गया, तो संधारित्र में जो दोनों प्लेट होता है ना, इन दोनों प्लेटों का जो बीच का जो डिस्टेंस है वही है क्या, डी। मतलब तीन बातों पर निर्भर करेगा, एक माध्यम की विद्युतशीलता पर, दूसरा संधारित्र के प्लेट के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, और तीसरा किस पर, तो प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करेगा। तो यहां आपको मिल जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा और दूसरा माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करेगा। दो ही लिखना है तो दो ही लिखा जाएगा। चलिए, परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है? तो देखिए, परावैद्युत सामर्थ्य क्या है, तो यह विद्युतीय क्षेत्र प्रबलता का अधिकतम मान है, माने विद्युतीय क्षेत्र का वह अधिकतम मान जिस मान पर कोई परावैद्युत पदार्थ जो है वह बिना भंजन के कार्य कर सकता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। और सामान्य ताप पर शुष्क वायु का परावैद्युत जो सामर्थ्य होता है वह 3×10^6 होता है, 3×10^6 होता है शुष्क बर्फ का परावैद्युत सामर्थ्य। आप परीक्षा में चाहे तो यहां तक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का वह अधिकतम मान जिस मान पर जो है वह कोई परावैद्युत पदार्थ बिना भंजन के, मतलब बिना क्रैक किए वह कार्य कर सकता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में कई बार पूछा गया है, इसमें वैसे ही क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है। कहो, कब ना होती तो है? चल, विभव का मान भी है तो ऊर्जा जो हो जाएगा यू बराबर हाफ सी भी। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अगर सी धारिता है, अगर कोई संधारित्र ऐसा है, संधारित्र है, उसे वी वोल्ट के बैटरी के साथ अगर जोड़ा गया है, अगर इसकी धारिता सी है तो आप जानते हो इसकी ऊर्जा हो जाएगी यू बराबर हाफ सी भी स्क्वायर। मतलब क्या कि सी धारिता वाले किसी संधारित्र को अगर वी विभव तक आवेशित किया गया हो तो उसकी ऊर्जा हो जाएगी यू बराबर हाफ सी भी स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन, आवेश संरक्षण। शॉर्ट भाषा में बोल देता हूं, शॉर्ट भाषा में एकदम उसको देख लेना, आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है। तो जब दो पिंड है, मान लो यहाँ पे दो पिंड है ए और बी, इसको आवेशित नहीं किया गया है, ऐसे ही है, इस पर टोटल आवेश जो है, टोटल आवेश जितना होगा, मान लीजिए कि इस पर कोई आवेश नहीं है तो टोटल आवेश कितना है, 0। अब क्या किया गया, इन दोनों को आपस में रगड़ा गया, रगड़ने के बाद आप जानते हो कि रगड़ने पर क्या होगा, इसमें से एक दो या कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यह इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पर जाएगा, तो इस पर क्या होगा, प्लस आवेश हो जाएगा, इस पर माइनस आवेश हो जाएगा। मान लेते हैं कि रगड़ने के बाद जो है क्या होगा, इस पर प्लस की आवेश हो गया है, इस पर माइनस की आवेश हो गया है, तो अब जोड़ेंगे तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहले भी 0, बाद में भी 0, तो हम कह सकते हैं ना
कि आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है, तो किसी दो वस्तु को आवेशन करने से पहले उसके कुल आवेश और आवेशन के बाद के कुल आवेश के बराबर होता है, यही आवेश संरक्षण सिद्धांत है। उदाहरण के लिए बताया गया है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो जितना धन आवेश कांच पर उत्पन्न होता है उतना ही ऋण आवेश जो है वह रेशम पर उत्पन्न हो जाता है। और ये आप एक एग्जाम्पल लिख सकते हो और बाकी परिभाषा लिख सकते हो, नहीं तो एक छोटा परिभाषा कि किसी विलगित निकाय के भीतर कुल आवेश जो होता है वह स्थिर होता है, और इसका उदाहरण एक लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्या है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत आवेश क्या होता है। तो विद्युत आवेश क्या होता है आप कहें तो विद्युत आवेश क्या है, आवेश किसे कहते हैं, तो आवेश किसी पदार्थ का वह नैज या मौलिक गुण है जिस गुण के कारण वह किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाता है। जैसे यहां लिखा गया विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का परिभाषा यहां लिखा भी गया है कि विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ये परिभाषा आप याद कर सकते हैं, इसके दो गुण है कौन कौन, तो आवेश का प्रकृति योगात्मक होता है और आवेश संरक्षित होता है, ये हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये ऐसे क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने पहले पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा है तब भी आप पढ़ लीजिए, अभी समय है, दो चार दिनों का वक्त है, आप याद कर सकते हैं। चलिए तो यहां पर है विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं, विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं और दो समविभवी सतह एक दूसरे को काट सकती हैं क्या। तो देखिए होता क्या है कि अगर दो विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं अगर एक दूसरे को क्रॉस कर दे, काट दे, तो विद्युतीय क्षेत्र रेखा अगर एक दूसरे को काट दे तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा हो जाएगी, कितना, दो स्पर्श रेखा, जिसके कारण एक ही बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। किसी एक बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता की एक ही दिशा ना होगी तो दो दिशा संभव नहीं है, मतलब हम कह सकते हैं कि दो विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि अगर दो विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, जो जिससे कि विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता की एक ही बिंदु पर दो दिशा हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। तो आप लिख सकते हो इसका उत्तर, यहाँ वही बात लिखा गया है कि एक ही कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा हो जाएगी, स्पर्श रेखा हो जाएगी तो विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता की दो दिशा हो जाएगी, जिससे कि यह संभव नहीं है। पूछ रहा है कि क्या दो समविभवी सतह एक दूसरे को काट सकते हैं, जी नहीं, ये दो समविभवी सतह जो है एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं। अब आता है 7 नंबर क्वेश्चन, ये 7वां नंबर क्वेश्चन आपको मिलेगा कि संधारित्र के किन्हीं दो उपयोगों को लिखना है, तो संधारित्र के दो उपयोग ही लिखना है। एक तो ऊर्जा संचायक के रूप में, जानते हैं संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो अधिक से अधिक आवेशों का क्या करता है, संचय करता है। तो आप इसको लिख सकते हो कि पहला क्या, ऊर्जा संचायक के रूप में, माने ऊर्जा संचय करने के रूप में, ऊर्जा के ये आवेश का संचय करता है, आवेश का संचय करता है तो ऊर्जा का भी संचय करेगा, तो ये ऊर्जा संचायक के रूप में इसका उपयोग होता है। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में इसका उपयोग किया जाता है। तो दो उपयोग है, एक ऊर्जा संचायक में और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में इसका उपयोग किया जाता है। आइए 8 नंबर सवाल देखते हैं, बढ़िया सवाल है। आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, ये थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, आप जानते हो कोई भी पदार्थ है इस पर आवेश अगर धनावेश हो या ऋणावेश हो, तो आवेश जो है वह इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होगा, किसके कारण उत्पन्न होगा, तो इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6×10⁻¹⁹ कूलम होता है, कितना होता है, 1.6×10⁻¹⁹ कूलम होता है। तो किसी भी वस्तु पर जो कुल आवेश होता है, कोई वस्तु हो उस पर जो कुल आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्णांक गुणज होता है, इसी को हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। या सॉरी, यहां इलेक्ट्रॉन होगा, यहां इलेक्ट्रॉन के, यहां हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के। आवेश का क्वांटीकरण क्या है, तो डैश देकर लिखा गया है कि किसी आवेशित वस्तु पर कुल आवेश चाहे स्थित आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणज होता है, क्या होता है, पूर्णांक गुणज होता है। और उसके बाद आप लिख सकते हो कि Q बराबर प्लस माइनस एनी, जैसे कि यहां लिखा गया है Q
कि किसी वस्तु पर कुल आवेश कितना होगा, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई होगा। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यह क्वेश्चन है 9 नंबर सवाल, कूलम्ब नियम की सीमाएं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मैं बता रहा हूं 3 सीरीज लेकर आऊंगा और 3 सीरीज पढ़ने के बाद आप कंफर्म हो जाओ 2 नंबर का क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। कूलम्ब नियम अगर आपको पहले से याद है तो रिवीजन हो जाएगा, याद नहीं है तो देखकर जरूर जाओ, आप बहुत आपको उसमें सहूलियत मिलेगी। कूलम्ब नियम की सीमाएं क्या है? तो कूलम्ब नियम की तो बहुत सीमाएं जो है मुख्य रूप से 3 है इसका। पहला तो यह है कि कूलम्ब नियम सिर्फ बिंदु आवेश के लिए लागू करता है, बिंदु आवेश के लिए। दूसरा, यह स्थिर आवेश के लिए लागू करेगा, यह केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू करता है। दूसरा, यह नियम स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है और यह जो नियम है वह 10^-14 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। कहीं कहीं 10^-15 मीटर है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये ठीक है, लगभग अप्रोक्स में दोनों उत्तर ठीक है। कहीं कहीं किसी पब्लिकेशन में 10^-15 भी मिलता है। तो यह नियम 10^-14 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। क्लियर है? यह जो नियम है कूलम्ब का वह 10^-14 मीटर से कम से दूरी पर लागू नहीं होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, ये तो आपको याद कर लेना है कि मुक्ताकाश की विद्युतशीलता का मात्रक और बीमीय सूत्र क्या है। तो मुक्ताकाश की विद्युतशीलता का ऐसे मात्रक जो होता है फैराड पर मीटर और इसका बीमा लिखा गया है, तो इसको तो आप याद कर लीजिएगा, ये प्रीवियस में पूछा भी गया है। चलिए अब इसको समझाते हैं। 11 नंबर सवाल क्या है? तो वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता है, क्यों? आप जानते हैं कि वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन जलवाष्प हाइड्रोकार्बन सल्फर, बहुत सारी यौगिक है वायुमंडल में। कहा जाएगा कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इत्यादि बहुत सारे गैस है और इसके अलावा और भी अन्य अणु है। जब सूर्य की प्रकाश, जब सूर्य की किरणें इन अणुओं पर पड़ती है तो अणु अर्थात ये जो कण है वह आवेशित हो जाते हैं और आवेशित जब हो जाते हैं तो यही कारण है कि वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता है। मतलब विद्युत उदासीन का मतलब क्या कि इस पर कोई ना कोई चार्ज होता है, कोई ना कोई आवेश होता है वायुमंडल पर। तो आप जानते हो कि वायुमंडल में क्या होता है, वायुमंडल में होता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्साइड, बहुत सारे अणु होते हैं। जब इन अणुओं पर जो है, जब इन यौगिकों पर जो है अगर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सूर्य के किरणों के कारण जो है इनमें आवेश, इन पर आवेश उत्पन्न हो जाता है और आवेश उत्पन्न हो जाने के कारण ही वायुमंडल उदासीन नहीं होता है। चलिए ये तो क्लियर हो गया, मैंने साधारण शब्दों में भी समझा दिया और यहां पर इसका उत्तर लिखा भी गया है। तो आपको जिसमें से आप मेरा बात को समझकर चाहो तो लिख सकते हो और नहीं तो समझ लो और उसके बाद पीडीएफ से स्क्रीनशॉट लेकर लिख लो। क्वेश्चन है संधारित्र, एकदम मैं इसका आसान तरीका मैं बता रहा हूं संधारित्र को याद करने के लिए। संधारित्र क्या है, थोड़ा सा वीडियो रोककर आप लिख भी सकते हो। संधारित्र क्या है? तो संधारित्र वह युक्ति है, संधारित्र वह युक्ति है जो अधिक से अधिक आवेशों का संचय करता है। इसमें 2 प्लेट होते हैं और दोनों प्लेट एक दूसरे से अलग होते हैं। संधारित्र क्या होता है तो देख लीजिए, संधारित्र एक युक्ति होता है, संधारित्र क्या होता है, एक युक्ति होता है जो अधिक से अधिक आवेशों का संचय करती है और संधारित्र में 2 प्लेट होते हैं तो दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी से अलग रहते हैं। तो संधारित्र का परिभाषा हो गया। अब कह रहे हैं कि भाई इसकी धारिता क्या होता है, धारिता किसे कहते हैं, तो संधारित्र की धारिता क्या है, तो संधारित्र की धारिता होता है यह कहा जाएगा कि संधारित्र के आवेश और संधारित्र के प्लेटों के बीच के विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। संधारित्र के आवेश और संधारित्र के दोनों प्लेटों के, जो दोनों प्लेट होता है ना, इस पर मान लीजिए इस तरह से यह संधारित्र है, ठीक है, और इस पर आवेश है Q और इसका विभवांतर है कितना भी, तो क्यू बटा भी को ही बोलते हैं संधारित्र की धारिता। माने संधारित्र के आवेश और उसके प्लेटों के बीच के विभवांतर के अनुपात को क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता कहते हैं। चलिए अब जो है नेक्स्ट देखते हैं, विद्युतीय क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, विद्युतीय क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। तो जैसे कि एक कोई आवेश है, ठीक है, इस पर बहुत सारे आवेशों के द्वारा बल लगाया जाता है, बहुत सारे आवेश जो है
इस पर बल लगा रहे हैं बहुत सारे आवेश, एक आवेश पर, ठीक है, किसी एक आवेश पर बहुत सारे आवेशों के द्वारा बल लगाया जाता है, तो इस पर जो कुल आवेश है वह अलग अलग आवेशों के कारण लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होता है। इसी सिद्धांत को क्या बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। इसमें साफ साफ लिखा भी गया है अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में कि किसी आवेश पर अन्य अन्य अनेक आवेशों के कारण अध्यारोपित जो परिणामी विद्युतीय बल होता है उस आवेश पर अन्य सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। लिख दीजिएगा इसके बाद कि इसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। आइए सवाल 14 देखते हैं, सवाल नंबर 14 देखते हैं, वही बात लिखा गया है। सवाल 14, विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता क्या है, परिभाषा देख लेते हैं। विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता और विभव से आप क्या समझते हैं, विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता क्या है। लिखा गया है एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युतीय बल को विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता कहा जाता है। हो गया, वही परिभाषा पूछ रहा है तो ज्यादा लिखने की आवश्यकता है। और फिर एक सूत्र लिख सकते हो, इसको डायरेक्ट सूत्र यहां से लिख सकते हो, चाहो तो पूरा लिख सकते हो, नहीं तो सीधा ऐसे लिख देना कि एकांक धनावेश पर लगने वाले, जो एकांक धनावेश है उस पर लगने वाले विद्युतीय बल को विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता कहा जाता है, ई बराबर एफ बटा क्यू, इतना लिख देना। उसके बाद विभव के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, तो विभव के बारे में क्या लिखिएगा, ज्यादा उसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। विभव के बारे में इतना लिख देना कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में पूरा किए गए या संपादित किए गए कार्य को जो है विद्युतीय विभव कहा जाता है या कहलाता है, इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आप चाहो तो यहां से केवल सूत्र लिख दोगे तब भी काम हो जाएगा। तो दोनों का परिभाषा लिख देना और उसके बाद दोनों का सूत्र लिख देना। तो क्या लिखोगे, तो विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता में लिखना कि किसी इकाई धनावेश पर लगने वाले विद्युतीय बल को हम विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता कहते हैं, ई बराबर एफ बटा क्यू। और जब विभव की बात आएगी, जब विभव लिखना होगा तो क्या लिखिएगा, तो इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में, कोई इकाई धनावेश है अनंत से किसी बिंदु पर लाने में, यहां से अनंत मान लो, यह अनंत है, अनंत से किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य किए जाते हैं उस कार्य को ही क्या कहते हैं, तो विद्युतीय विभव, उसका नाम क्या हो जाएगा, विद्युतीय विभव हो जाएगा। विद्युतीय विभव को भी से लिखते हैं, भी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू हो जाएगा। तो आप दोनों का परिभाषा लिखकर और दोनों का सूत्र बिठा दीजिए, हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल, विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, तो विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, स्पष्ट है विद्युतीय क्षेत्र रेखा क्या होता है। तो विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं, यहां लिखा गया इसका परिभाषा कि विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं वे वक्र होती हैं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता की दिशा को बतलाती है। क्लियर है, माने विद्युतीय क्षेत्र रेखा क्या है, तो विद्युतीय क्षेत्र रेखा वह वक्र होती है जिसके किसी बिंदु पर, जैसे विद्युतीय क्षेत्र रेखा यह है, तो इसके किसी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा की दिशा में विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता की दिशा होती है। कह दोगे कि विद्युतीय क्षेत्र रेखा क्या है, तो परिभाषा आप लिख सकते हो कि विद्युतीय क्षेत्र रेखा क्या है, तो विद्युतीय क्षेत्र रेखा वह वक्र होता है जिसके किसी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा के दिशा में विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता की दिशा होती है। चलिए आप स्क्रीनशॉट भी लेकर लिख सकते हो या जो मैं बोल रहा हूं उसको भी थोड़ा सुनकर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका गुण पूछ रहा है इसका गुण क्या है, तो विद्युतीय क्षेत्र रेखा के गुण क्या है, तो इसके गुण यहां दिए गए हैं। विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। पहला गुण, विद्युतीय क्षेत्र रेखा के दो गुण इसमें पूछा गया है, तो पहला गुण है कि धनावेश से प्रारंभ होगी और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। क्लियर है, दूसरा गुण क्या है कि दो विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती हैं। चलिए अब आ जाइए, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका एसआई मात्रक बताना होगा कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो देखो पहले विद्युतीय द्विध्रुव को समझ लेते हैं विद्युतीय द्विध्रुव को। जैसे यहां पे एक माइनस क्यू आवेश है, यहां प्लस क्यू आवेश है, ठीक है,
एक माइनस क्यू आवेश यहां, प्लस क्यू आवेश यहां, और दोनों आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी से अलग है। कितना दूरी से? बहुत कम दूरी से अलग है। तो इस व्यवस्था का नाम है विद्युतीय द्विध्रुव। लेकिन पूछ रहा है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो दोनों आवेश में से कोई एक आवेश ले लीजिए, दोनों आवेश में से कोई एक आवेश ले लीजिए, एक आवेश का परिमाण ले लीजिए, माइनस प्लस नहीं, एक आवेश का परिमाण ले लीजिए, और उसके बाद ये दोनों आवेश के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a है, इस 2a से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, 2a क्यू आ जाएगा। बस इस 2a क्यू को ही क्या बोलते हैं, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। क्लियर है? तो आप ऐसे परिभाषा कह सकते हो। पूछा जा रहा है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, क्या है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो कह देना कि विद्युतीय द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण और द्विध्रुव के लंबाई के गुणनफल को विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। जैसे कि यहां लिखा गया है कि कोई एक आवेश एवं दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, यहीं तक लिख देना। और उसके बाद एक सूत्र यहां पर लिखा गया है, यहां लिखा गया है कि द्विध्रुव आघूर्ण p बराबर 2a q, लिख देना सीधा 2a q, क्या हो जाएगा, द्वितीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर 2a q। आगे लिखना है तो लिख सकते हो कि यह एक सदिश राशि है, क्या है, सदिश राशि है, और इसका एसआई मात्र क्या होता है, कूलम्ब मीटर होता है, क्या होता है, कूलम्ब मीटर। क्लियर है? और इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख भी सकते हो और याद भी कर सकते हो। चलिए इसके बाद आइए सवाल नंबर 17, ठीक है, सवाल नंबर 17 को समझ लेते हैं। तो सवाल नंबर 17 को एकदम केवल पूछ रहा है कि इसका विद्युतीय फ्लक्स क्या है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका बीमा क्या होता है। ठीक है, तो विद्युतीय फ्लक्स क्या है, तो विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता और अल्पांशनीय क्षेत्र सदिश का मतलब होता है, आप उसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो कि विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश, क्या लिख देना, क्षेत्रफल सदिश। अगर आपको यह याद करने में दिक्कत हो तो लिख देना विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। एक कंप्लीट यहां तक लिख देना, और विद्युतीय फ्लक्स ई बराबर ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस लिख देना, क्या लिख देना, ई डॉट डी एस, ये आपका हो जाएगा, यहीं तक लिख देना ई डॉट डी एस, इस पर वेक्टर का चिन्ह लगा दो, ई डॉट डी एस हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि मात्रक क्या होगा, तो विद्युतीय फ्लक्स यहाँ पूरा है, विद्युतीय फ्लक्स अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक जो है वह न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब होता है, और बीमा यहाँ नीचे दिया गया है ML3 T-3 और A-1 होता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर लिख सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद सवाल 18 तक, सवाल 18 देखते हैं कि सवाल 18 क्या है। क्वेश्चन है कि परावैद्युत शक्ति क्या है और अपेक्षिक परावैद्युतांक से आप क्या समझते हैं। तो परावैद्युत शक्ति क्या है, अपेक्षिक परावैद्युतांक क्या है, ये दोनों जो है अलग अलग परिभाषा है, तो दोनों परिभाषा को मैं समझा दे रहा हूं। परावैद्युत शक्ति क्या है, तो किसी परावैद्युत की शक्ति वह महत्तम क्षेत्र या विभव प्रवणता होता है जिस पर आरोपित करने पर इसका विद्युतीय विघटन नहीं होता है। आप यहां तक परिभाषा लिख देना, ये हो जाएगा। अब बात आता है कि भाई ये अपेक्षिक परावैद्युतांक क्या है, अपेक्षिक परावैद्युतांक क्या होता है, तो इंसर्ट में बता दूं कि अपेक्षिक परावैद्युतांक क्या होता है। तो आप कह दीजिएगा कि कोई माध्यम का अपेक्षिक, पहले परावैद्युतांक को जान लीजिए, ER से सूचित किया जाता है, किसे, ER से, अपेक्षिक जो परावैद्युतांक होता है उसको सूचित करते हैं ER से, और ER बराबर होता है E बटा एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या कि आपको कहना होगा कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता और हवा या निर्वात की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता और हवा की विद्युतशीलता के अनुपात को अपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं। परिभाषा आप ऐसे करके लिख सकते हो क्या, तो किसी माध्यम की विद्युतशीलता और हवा की विद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपेक्षिक परावैद्युतांक कहेंगे। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यही तक लिख देना, एकदम शॉर्ट परिभाषा मैंने बोला है। चलिए अब जो है यहां पर क्वेश्चन आपका मिलेगा कि भाई
विद्युत मशीनों में कहीं तीखा नोक नहीं छोड़ा जाता है, क्यों क्यों नहीं छोड़ा जाता है? तो किसी चालक के नुकीले भाग की वक्ता त्रिज्या काफी होती है। अगर नुकीला भाग होगा तो उसकी उसकी जो वक्ता त्रिज्या होगी वह काफी ज्यादा होगी, उस भाग के नजदीक विद्युतीय तीव्रता काफी अधिक होने लगेगी। इस स्थिति में हवा का विद्युत रोध जो है भंग हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर अगर आप नोक छोड़ोगे तो इसका जो वक्रता जो त्रिज्या है वह अधिक हो जाएगा। कोई नुकीला चीज है जैसे पेन है तो इसका जो नुकीला भाग है इसका वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। और वक्रता त्रिज्या जब अधिक हो जाएगा तब क्या होगा? तो वक्रता त्रिज्या अधिक होगा तो इसके आसपास का जो क्षेत्र होगा वहां विद्युतीय क्षेत्र का मान अधिक मिलने लगेगा, जिससे जो हवा का विद्युत रोध है, जो हवा इसको रोकता है, इससे इलेक्ट्रिक निकलने का आवेश जब निकलता है ना उसको हवा रोकता है, लेकिन जब नुकीला छोड़ दीजिएगा, जब विद्युतीय क्षेत्र का मान आसपास में बढ़ जाएगा तब क्या होगा कि चालक से आवेश निकलकर बाहर जाने लगेगा, वायुमंडल में जाने लगेगा। ऐसी स्थिति में आवेश का क्षय होने लगेगा, इसीलिए नुकीला नहीं छोड़ा जाता है। वैसे वहीं पर लिख सकते हो तो पूरा लिख देना, चालक के नोक से आवेश निकलकर हवा में प्रवाहित होने लगता। वही मैंने बताया कि यह जो अगर चालक है, अगर इसका इसका नुकीला भाग रहेगा तो इसके वक्ता त्रिज्या बढ़ जाएगी, तो इसके आसपास का जो विद्युतीय क्षेत्र है उसका मान बढ़ जाएगा। और जब विद्युतीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा तो हवा की जो विद्युतीय अवरोध है वह समाप्त हो जाएगी और चालक से आवेश निकलकर वायुमंडल में अर्थात हवा में जाने लगेगी, जिससे ऊर्जा का क्षय होने लगेगा। और इस प्रकार से जो है इस प्रकार यही कारण है कि हम इस चालक के नुकीला भाग हम कहीं भी नहीं छोड़ते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक का तल समविभवी होता है क्यों? आइए इसको समझ लेते हैं, समविभवी क्यों होता है, इस बात को समझना पड़ेगा क्यों होता है समविभवी। तो देखो अगर कोई चालक है, अगर इस भाग पर विभव का मान अधिक हो जाए, ये विभव का मान हो गया मान लो यहां अधिक, इस भाग पर विभव का मान हो गया कम, तो क्या होगा? तो चालक से आवेश जो है एक भाग से दूसरे भाग में, माने उच्च विभव वाले भाग से कम विभव वाले जो भाग है उधर, यह आवेश का प्रवाह होने लगेगा। जब आवेश का प्रवाह होने लगेगा तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्थिर वैद्युतकी में आवेश का प्रवाह नहीं होता है। और इस प्रकार जो है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यही कारण है कि इसका जो है विभव जो है सभी जगह बराबर होता है। आप ऐसे कह सकते हैं इस प्रकार से कि कोई चालक का जो है अगर किसी बिंदु पर, यदि किसी चालक के किसी बिंदु पर विभव का मान अधिक हो जाए और किसी बिंदु पर विभव का मान कम हो जाए तो उच्च विभव वाले क्षेत्र से निम्न विभव वाले क्षेत्र की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है और यह आवेश का प्रवाह होने लगेगा। परंतु स्थिर वैद्युतकी में हम जानते हैं कि आवेश को स्थिर होना चाहिए, यही कारण है कि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। यही बात आप लिख सकते हो, मेरे बात को ध्यान से सुनकर आप कॉपी में नोट भी कर सकते हो, यह समझ कर अपने भाषा में भी लिख सकते हो, या इसके सामने पीडीएफ भी है और पीडीएफ का स्क्रीनशॉट भी लेकर आप लिख सकते हो। आइए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया, स्थिर वैद्युत परिरक्षण क्या है? स्थिर वैद्युत परिरक्षण से आप क्या समझते हैं? समझ लीजिए, कोई ऐसा क्षेत्र, वैसा सुरक्षित क्षेत्र जो विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव से, जो प्रभाव से अलग होता है या जिस पर विद्युतीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहलाता है। माने स्थिर वैद्युत परिरक्षण क्या है? तो जब किसी क्षेत्र को किसी विद्युतीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होने दिया जाता है या विद्युत किसी बाहरी विद्युतीय क्षेत्र से के प्रभाव को नष्ट करने की जो क्रिया है वह स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहलाता है। मतलब कोई ऐसा क्षेत्र जो बाहरी विद्युतीय क्षेत्र से क्या हो, सुरक्षित हो, तो यह जो प्रक्रिया है उसको हम कहेंगे क्या? स्थिर वैद्युत परिरक्षण। लिखा भी है स्थिर वैद्युत परिरक्षण क्या है। तो आकाश के एक निश्चित क्षेत्र, मैं आप सीधा कह सकते हो, जब कोई क्षेत्र को बाह्य क्षेत्र से सुरक्षित रखा जाता है तो इस घटना को हम स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं। जैसे आप बंद गाड़ी में अगर रहते हैं तो तारका भी गिरेगा ना तो उसका प्रभाव बंद गाड़ी के भीतर जो भी व्यक्ति बैठे हैं उस पर नहीं पड़ेगा। यह क्या है? स्थिर वैद्युत परिरक्षण इसको कहा जाएगा। क्लियर है? मतलब
किसी विशेष क्षेत्र को, किसी विशेष क्षेत्र को किसी बाहरी विद्युतीय क्षेत्र से सुरक्षित रखने की घटना को हम स्थिर वैद्युत परीक्षण कहते हैं। जैसे अगर कार बंद कार है, अगर तड़का बाहर से गिरता है तो बंद कार के भीतर बैठा हुआ व्यक्ति पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह घटना स्थिर वैद्युत परीक्षण कहलाता है। चलिए थोड़ा सा मैं स्पीड में इसलिए बोल रहा हूं कि यह जरूरी है, यह इसलिए जरूरी है कि इसमें कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कराना है। तो ऐसी स्थिति में आप क्वेश्चन देखो, मेरी बातों को समझो और स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो रोककर आप इसको लिखकर याद कर जाओ। तीन दिन लगातार सीरीज वन, सीरीज टू, सीरीज थ्री जाएगा और यह आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए ध्रुवीय और अध्रुवीय परावैद्युत क्या है। ध्रुवीय और अपरावैद्युत एकदम साफ इसका छोटा परिभाषा भी लिखा गया है। वैसे परावैद्युत जिसमें धन आवेश तथा ऋण आवेश का केंद्र अलग अलग होते हैं ध्रुवीय परावैद्युत कहलाता है। मतलब जिस परावैद्युत का धनात्मक केंद्र और ऋणात्मक केंद्र दोनों अलग अलग होता है उसका नाम क्या है। जैसे HCl है तो H प्लस और Cl जो माइनस है इसका जो दोनों केंद्र है H प्लस और Cl माइनस ये एक दूसरे से अलग अलग होता है जिसके कारण इसको कहते हैं ध्रुवीय परावैद्युत। और ध्रुवीय परावैद्युत में क्या, वही परिभाषा लिख दो कि वैसा परावैद्युत जिसका धनात्मक और ऋणात्मक केंद्र एक ही स्थान पर एक ही बिंदु पर होता है उसे क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे अध्रुवीय परावैद्युत। ठीक है, इसका एग्जांपल भी लिखा गया है H2O2 और CO2 हो गया। मतलब वैसा परावैद्युत जिसके धनात्मक और ऋणात्मक केंद्र अलग अलग हो उसे ध्रुवीय कहेंगे, अगर धनात्मक और ऋणात्मक केंद्र एक ही बिंदु पर हो तो उसे हम अध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं। चलिए और अंतिम क्वेश्चन आज का 23 नंबर क्वेश्चन जो है वह आवेश के आयतन घनत्व क्या है। आवेश के आयतन घनत्व क्या है, जब किसी चालक है इसके आयतन जो है उसके इकाई आयतन में, इकाई आयतन जैसे 1 m³ हो गया, इकाई आयतन में किसी चालक के इकाई आयतन में जो आवेश वितरित होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व तो कहते हैं। इसे पी से रो कहिए, इसको रो से सूचित करते हैं, रो बराबर होता है क्यू बटा भी हो जाएगा। इसका एसआई मात्रक कहें तो यह कूलम प्रति मीटर क्यू, कूलम प्रति मीटर क्यू हो जाएगा। यहां साफ साफ लिखा भी गया है कि किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में स्थित आवेशों के परिमाण को आवेश का आयतन घनत्व तो कहा जाता है। इसे P से सूचित किया जाता है, P बराबर हो जाएगा Q बटा भी, इसका एसआई मात्रक कूलम प्रति मीटर क्यू होता है। तो मैंने एक प्रयास किया और आशा करता हूं कि मेरा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। आप ऐसे ही दो एपिसोड को और देखने के लिए आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके लिए आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि मैं और भी बढ़िया मेहनत करके इसका Part 2 और Part 3 बना सकूं। तो दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। धन्यवाद।